राशन कार्ड ई केवाईसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बताया जा रहा है निवेशकों का ई केवाईसी कैसे होगा, तो आपको जानना बेहद जरूरी है। तो चलते सीधा वीडियो को शुरू करते हैं, दिखाते हैं दोस्तों। इसमें दो चीज़ें मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। एक अप्लीकेशन के माध्यम से जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा वैसे ही आपको करना है। तो मैं आपको बताऊंगा, यदि आपके राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है उसका जो है आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप बड़े आसानी से इस एप्लीकेशन के माध्यम से चेक कर पाएंगे। और दूसरा ये है, यदि आप लोग बाहर रह रहे हैं तो बाहर में आपको ये नहीं पता चलता है कि राशन कहाँ कहाँ वितरण हो रही है, यानी कि कहाँ कहाँ मिल रही है। तो भाई बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं जब बाहर राशन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन के मदद से आप मैपिंग के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। तो कैसे करना है अभी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो कहीं आपको किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो है अपने लोकेशन के माध्यम से ही पता कर सकते हैं कि हमारा जो राशन मिल रहा है किस किस जगह मिल रहा है। बाहर आपको खोजने में परेशानी होती है, पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मैपिंग द्वारा जो है पता चल जाएगा कि इस जगह जो है इस एरिए में जो है राशन मिल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, मेरा राशन। तो ये देखिए, ये एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा होगा मेरा राशन। मैं आपको एक बार जो है प्ले स्टोर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको डाउनलोड करने में कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लिखेंगे मेरा राशन। तो हम लिखेंगे यहाँ मेरा राशन। दोस्तों देखिए, जैसे मैंने लिखा मेरा, उसके बाद ये देखिए नीचे आ चुका है मेरा राशन। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आ चुका है। ये देखिए, मैं पहले से ओपन किया हूँ, यानी कि पहले से इंस्टॉल किया हूँ, तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इसी तरह से तो हम यहाँ से बैक चले जाएंगे, उसके बाद अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, मेरा एप्लीकेशन नहीं है मेरा राशन, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है, ई केवाईसी हम कैसे कराएँ, तो बाहर वाले कैसे करा सकते हैं। यदि आप लोग विदेशों में रह रहे हैं तो आप लोग कैसे ई केवाईसी करवाएँगे, या अपने इंडिया में हैं तो आप लोग कैसे करवाएँगे, तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो सिंपली मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप लोग विदेश में हैं यानी कि इंडिया से बाहर हैं, तो आपका कैसे ई केवाईसी होगा, तो मैं बताना चाहूँगा, आपका भाई ई केवाईसी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो आपका ई केवाईसी होता है, जहाँ पे आपका राशन मिलता है वहीं पर जो है आपका ई केवाईसी होगा। जो लोग आपको राशन देंगे, जहाँ से आपका राशन मिलता है, जहाँ पे आप पाते हैं वहीं पे जो है आपका ई केवाईसी होगा। फिलहाल अभी तो सीएससी पोर्टल पे भी इसका अपडेट नहीं आया है, हो सकता है कुछ दिन में आ भी जाए। यदि ऐसा हो जाता है सीएससी सेंटर पे, यदि सीएससी पे जो है ई केवाईसी का अपडेट आ जाता है, यदि आप कहीं पर भी हों तो आपका जो है ई केवाईसी वहीं से हो जाएगा, यदि सीएससी के माध्यम से हो रहा है। तो यदि सीएससी के माध्यम से अभी अपडेट नहीं आया है, जैसे ही आ जाता है वैसे ही आप चाहे जहां से करवा सकते हैं। तो यदि नहीं आता है तो आप केवल इंडिया में ही आप जो है ई केवाईसी करवा सकते हैं, बाहर वाले नहीं अभी करवा सकते हैं, क्योंकि ये अभी पोर्टल सीएससी पे नहीं लॉन्च किया गया है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए, सबसे पहले आप मैपिंग के द्वारा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखिए, राशन शॉप पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, अभी ये देखिए जो है मेरा लोकेशन चालू होगा। तो मैं सबसे पहले लोकेशन चालू कर देता हूँ ताकि खोजने में कोई परेशानी ना हो। तो आपको ऐसे ही करना है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर मैं हूँ मेरे नज़दीक में जितने भी राशन की दुकानें हैं, जहाँ पर राशन मिलता है, लोग जाते हैं लाने के लिए, वहाँ का जितने भी दुकानें हैं यहाँ पर सब शो होने लगेगा। तो ये देखिए, आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करें। तो फिलहाल ये देखिए, मेन हमारा लोकेशन ऊपर वाला है, उसके बाद नीचे वाला है। तो आपको जहाँ से जो भी सुविधा है आप वहाँ पर जा कर के राशन ले सकते हैं, यानी आप कहीं भी इंडिया में हो तो आप जो है राशन ले सकते हैं, ऐसा सरकार का नियम है। तो फिलहाल ये तो आपने समझ लिया होगा। उसके बाद ये देखिए, समय बहुत कम है, मैं आपको जल्द से जल्द दिखाता हूँ। ये देखिए, आधार सीडिंग पे हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है उनका आधार सीडिंग हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी मैं आपको लाइव चेक करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इसमें दो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको आधार से और राशन कार्ड नंबर से ही चेक कर लेना है। तो फिलहाल मेरे पास राशन कार्ड नंबर है, तो मैं जहाँ तक अच्छा समझता हूँ राशन कार्ड के माध्यम से, तो हम राशन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे। अभी मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ, कहीं भी इसकी मत करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, ऐसा वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए जो है मेरा राशन कार्ड नंबर इसमें पड़ चुका है, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें दो ही नाम है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है इसमें शो करता है, यानी आपका जो आधार है इसमें आधार सीडिंग जो है यस दिखाई दे रहा है। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है जब आपका आधार आपके राशन कार्ड में
ज़्यादा दिन हो जाता है, आपने कभी भी राशन नहीं लाया है, तो उस हालत में क्या होता है कि आपका जो आधार है दोबारा से जो है सीडिंग करवाना पड़ता है। यदि आपका मैच नहीं करता है तो आप जो है आधार सीडिंग करवा लें, यानी CSC पोर्टल पे उपलब्ध है, CSC पोर्टल से जो है आप आधार सीडिंग करवा सकते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जिनका नहीं उठाता है, इसमें यस दिखाएगा फिर भी आपका बहुत कम शो करता है। बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाता है, ज़्यादा दिन हो जाता है तो आधार सीडिंग उनको दोबारा से करवाना पड़ता है। तो भाई आपको एक बार जो है आधार सीडिंग करवा लेना है, उसके बाद जो है आपका EKYC हो जाएगा। EKYC कंपल्सरी है, सभी को करवाना है। यदि आप लोग नहीं करवाएंगे तो सरकार जो है आपका राशन बंद भी कर सकता है और आपका नाम भी कट सकता है। यदि आपका EKYC नहीं हो पाएगा तो ये कंपल्सरी है, सभी को करवाना है। तो भाई आप लोग टाइम दे करके जो है EKYC करवा लें। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। ये वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना। जय हिंद।